पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि समस्त हिंदू समाज को उन्होंने हिंसक बताया, हिंदू समाज को हिंसक बताया। हिंदू समाज का मतलब क्या होता है? हिंदू समाज बोला, जब उनको क्रॉस किया गया तब वो सफाई देने। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी भूचाल ला कर रख दिया है। हिंदू का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दे दिया है राहुल गांधी ने, जिसे अब भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी प्रेस वार्ता के जरिए राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है, उससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंची है। राहुल गांधी सिर्फ हिंदू होने का ढोंग करते हैं, असल में तो वो हिंदू विरोधी है। इसी के साथ साथ आरजेडी पर भी जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं मंगल पांडे, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी कोटे से एक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये जो मंदिर है यह मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जगदानंद सिंह ने भी इसका समर्थन किया था। आरजेडी पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। पे कहा था कि वो नफरत की जमीन, ये जनता बाबू के शब्द थे, और ये शब्द उन्हीं विचारों वाले गठबंधन के बीच से निकला था जो जिसके नेता आज राहुल गांधी हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री ने हमेशा, चंद्रशेखर जी ने, हमारे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को, सनातन परंपराओं और व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए। राजद के ही एक विधायक फतेह बहादुर जी, उन्होंने माँ देवी दुर्गा के बारे में बोला। अब बताइए, जिस दुर्गा की आराधना हमारे देश के लोग अपने परंपरा का हिस्सा मानते, 10-10 दिन उपवास रह के माँ देवी की आराधना करते, शक्ति स्वरूपा मानते, सरस्वती स्वरूपा मानते, हर प्रकार की शक्ति हम आराधना के माध्यम से उस देवी से मांगते हैं, उस देवी को भी फतेह बहादुर जी ने काल्पनिक कह दिया, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और ऐसा वो नहीं कहें तो वो दल में नहीं रहते। उस दल की जो सोच है, उसके नेता की जो सोच है, वो हिंदू विरोधी मानसिकता बार बार उनके तरफ से उजागर हुई। जब नवरात्रि में हम जानते हैं सामान्य रूप से हिंदू समाज उपवास रखता है, कोई उपवास नहीं रह पाता तो फल पे रहता है, कोई नींबू पानी पे रहता है, कोई अनाज भी खाता है, तो वो शाकाहारी होके 10 दिन अपने घर में रहता है। बहुत लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो अलग अलग तरीके से अपने इस धार्मिक रीति रिवाज को, जिस धर्म में है उसको निभाते और पूर्ण करते। लेकिन तेजस्वी जी ने क्या किया, नवरात्रि के बीच में अपना मछली खाते हुए वीडियो वायरल किया, और उन्होंने कहा कि ये तो मैं खा रहा हूं हवाई जहाज। अब नवरात्र के समय वो, उनका संदेश बहुत साफ था, मानसिकता जो दिमाग में है, जो कांग्रेस पार्टी की पिछलगुआ पार्टी राजद है, वो कांग्रेस के विचारों से अलग हो नहीं सकती, और कांग्रेस जिला के विचारों से अलग नहीं हो सकती। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, और मछली खाके यही प्रदर्शित करना कि हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचे और इसके कारण कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो जिससे हमको लाभ। तो हमेशा से इन लोगों ने ऐसा किया, और उन्होंने अपने पिताजी के पूर्व के कुछ कार्यों को भी देखा है। याद करिए, जब आदरणीय आडवाणी जी राम मंदिर के निर्माण के लिए यात्रा पर निकले थे, तो
तेजस्वी जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनकी गिरफ्तारी की थी। आडवाणी जी निकले थे राम मंदिर के निर्माण के लिए, लोगों का जन समर्थन जुटा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उसका विरोध किया और समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी की। बहुत साफ तौर पे उस वक्त भी वो राम मंदिर के विरोध का जो मानसिकता उन लोगों के अंदर है उस समय भी साफ तौर पे दिखा था। तो आज हम सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, बहुत साफ तौर पे मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो कल संसद में बयान दिया है वह देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है, सनातन परंपरा व्यवस्था और संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला है, और राहुल गांधी जी को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे चूंकि वो जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को हम स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि इस देश के हिंदुओं को यदि आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से देश का हिंदू आपको हमेशा जवाब देने का काम करता रहेगा। आप मानसिक रूप से गुलाम हो सकते हैं, देश का हिंदू गुलाम नहीं हो सकता। देश का हिंदू आपके गलत वक्तव्यों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कल राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अमर्यादित था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वह भी किसी नेता प्रतिपक्ष का उस तरह का बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए था, और जो कुछ उन्होंने प्रदर्शित करके और अपने वक्तव्यों से देश की जनता को कहने की चेष्टा की है वह देश की सनातन व्यवस्था और परंपरा को चोट पहुंचाने वाली। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि समस्त हिंदू समाज को उन्होंने हिंसक बताया था, हिंदू समाज को हिंसक बताया था। हिंदू समाज का मतलब क्या होता है? हिंदू समाज बोला जब उनको क्रॉस किया गया तब वो सफाई देने, उन्होंने उनकी भावना जो थी वो बहुत साफ तौर पे दिखी। उन्होंने हिंदू समाज, ये तो लोकसभा के प्रोसीडिंग में है ना, इसको निकाल नहीं सकता था। और कल तो देश के हर मोबाइल पे वो वायरल हो गया, उन्होंने क्या बयान दिया, कुछ किसी से छिपा नहीं, शब्द शब्द जनता ने देखा। नहीं देखिए, ये तो संसदीय परंपरा के अंदर जो बात थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत प्रतिकार किया, तुरंत उन्होंने कहा कि आप देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को अब चोट पहुंचा रहे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने संसद भवन के अंदर नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने को कहा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से हमको विरोध करना है वो हम विरोध कल भी किए, तुरंत स्वीकार किया, और आगे भी राजनीतिक रूप से जो प्रतिकार करना होगा हम करेंगे।